हेलो गाइस, दिस नेट मिस्ट। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो दो डिफरेंट जनरेशंस के बीच में होने वाला है। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा हो तो बेशक आप उसे देखिए, क्योंकि वो MFB के बारे में था, यानी कि मेटल फाइट बेब्लेड। और मैंने ये नोटिस किया कि मेटल फाइट के भी बहुत सारे फैंस हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो नेक्स्ट वीडियो है आज का वो भी मेटल फाइट बेब्लेड पे ही बनाया जाए। पर चैनल पे बेब्लेड बर्स्ट के भी बहुत सारे फैंस हैं, तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। अगर नहीं तो मैं आपको दिखाता हूं। लास्ट वीडियो में एक कमेंट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो कमेंट किसका था, पर उसमें एक टॉलेस्ट बेब्लेड का मेंशन किया गया था। तो MFB में मेरे पास अवेलेबल टॉलेस्ट बेब्लेड ये है, ड्यो यूरेनस 230 WD। 230 जबकि ये सबसे हाईएस्ट है, उसके ऊपर 0G में 165 आता है, जो एक स्पेशलाइज्ड केस है जो कि अब एट सच मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट 230 मेटल फाइट में सबसे हाईएस्ट हाइट है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कीजिए। और इसका मुकाबला होने वाला है इसके साथ, फ्लेम ब्रांड के ब्रेव वैल्करी के साथ, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही अनबॉक्स किया था। तो आज का वीडियो ये इन दोनों के बीच में जो बैटल होने वाला है, जो कि एक मेटल फाइट बेब्लेड और एक स्पार्किंग बेब्लेड है, तो देखते हैं क्या होता है। बैटल बड़ा ही दिलचस्प होगा। और मैंने सोचा कि MFB फैंस और जो बर्स्ट फैंस है वो दोनों भी एक साथ खुश हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ब्रेव वैल्केरी मैनेज नहीं कर पाया फर्स्ट हिट को और KO हो गया है। तो पहला पॉइंट जाता है ड्यो यूरेनस को। हालांकि कोई टक्कर हुई नहीं इतनी, पहले ही हिट में ब्रेव वैल्केरी बाहर चला गया इंपैक्ट की वजह से। तो राउंड 2, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओह, ब्रेव वैल्केरी ने एक शानदार KO के साथ, एक शानदार हिट के साथ ड्यो यूरेनस को बाहर फेंक दिया है। और सेकेंड राउंड जाता है ब्रेव वैल्केरी को। तो काफी टक्कर की मुकाबला चल रहा है ये। हम चलो आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की ओर। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ब्रेव वैल्केरी बिल्कुल ही रहम नहीं खा रहा। सेकेंड KO इमीजिएटली, जैसे ही ब्रेव वैल्केरी अपने फ्लावर पैटर्न या कि जो स्पिन में आता है उसके बाद ही नामुमकिन है ड्यो यूरेनस का बचना। तो देखते हैं कोई ट्रिक्स और टिप्स काम आती है कि नहीं। तो चलिए राउंड 4 की ओर बढ़ते हैं। अभी वैल्केरी को 2 की बढ़त है। तो 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ड्यो यूरेनस काफी अवॉइड कर रहा है अब अटैक्स को, तो ये अच्छी बात है उसके लिए। नहीं, वो अटैक अभी लीथल हो सकता था ड्यो यूरेनस के लिए, बट कैसे वैसे मैनेज करके ड्यो यूरेनस ने एक पॉइंट छीन लिया है। और अभी भी वैल्केरी के पास एक पॉइंट की बढ़त है, बट ड्यो यूरेनस काफी पीछे नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बैटल इतना एक्साइटिंग है कि एक्चुअली मैं स्कोर ही भूल चुका हूं, बट चलिए 3, 2, 1 गो शूट। ये नो हिट KO है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे और हम और एक राउंड करेंगे, और क्योंकि कांटेक्ट हुआ ही नहीं और उसके पहले ही वैल्केरी चला गया बाहर, तो फिर ये राउंड काउंट नहीं होगा। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। वैल्केरी वापस बाहर चला गया है, तो हम एक और बार ये राउंड काउंट नहीं करेंगे। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ब्रेव वैल्केरी को लगता है लड़ना ही नहीं है और इसे सिर्फ बाहर ही जाना है। अभी इंटरेस्ट चला गया लगता है ब्रेव वैल्केरी का, बट कोई नहीं, बेवलेड हमारा है, हम फोर्स करेंगे उसे लड़ने।
ऐसे थोड़ी चलता है। ओके, तो ये इसमें भी हमारा हैट्रिक हो गया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक दो बार गिराने के हैट्रिक किए थे, और अभी ये 3 टाइम्स लगातार केओ का भी हैट्रिक हो चुका है। तो चलिए अभी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। ओके, तो ये हिट जो था उसमें मुझे लग रहा था कि कुछ टूट सकता है, बट नहीं टूटा। तो काफी शानदार तरीके से डियो यूरेनस ने स्कोर टाई कर दिया है। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको कुछ ब्लू ब्लू नजर आएगा, जो कि ये वैल्करी का जो कलर है वो स्क्रेप होके डियो यूरेनस पे लग रहा है। तो काफी टक्कर का मुकाबला चल रहा है, और शायद ही कुछ टूटने को देखने मिल जाए आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये फाइनल पॉइंट है, तो देखते हैं क्या होगा। वैल्करी अपने अटैक्स कायम रख रहा है, पर स्टार्टिंग में कनेक्शंस नहीं हुए, और काफी क्लियर विनर हमें दिख रहा है अब। और इसी के साथ डियो यूरेनस ये बैटल जीत गया है। तो डियो यूरेनस काफी ही स्ट्रांग है एमएफबी के बेबलेट्स के हिसाब से, और ये मेटल फ्यूरी में एक्चुअली देखा गया था बेबलेट। काफी बढ़िया हाइट और काफी बढ़िया स्टैमिना है ये बेबलेट का। ब्रेव वैल्करी अटैक टाइप तो है, बट अगर ये इनिशियल हिट्स कनेक्ट नहीं कर पाता तो ये ऑब्वियसली स्टेडियम के बाहर जाने वाला है। तो इसी के साथ हमारा आज का बैटल कंक्लूड होता है। फैंस के लिए और आप सबके लिए हम एक फुल स्पीड लॉन्च का लास्ट बैटल करेंगे, तो मैं फुल पावर यूज करूंगा। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। वैल्करी सब कुछ मिस कर रहा है अब तो। ओह, काफी लकी था डियो यूरेनस, यहां पे टक्कर हुई है, थोड़ा सा यहां पे और केओ हो जाता। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम कंक्लूड करते हैं। डियो यूरेनस बेशक एक विनर है, एमएफबी बेब्लेड्स काफी स्ट्रांग है आज भी इन बेब्लेड्स के मुकाबले, क्योंकि इनका स्टैमिना और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक बढ़िया है ये बेब्लेड से। बट क्या मालूम आगे जाके कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे बैटल्स करते रहेंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगले वीडियो के लिए डेफिनेटली वेट कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जिन्होंने भी अभी ये वीडियो पूरा देखा है एंड तक, अगर आपके कोई कॉम्बोज आपको मुझसे बैटल करवाने हैं, जैसे कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, तो क्या करिए कि आप ये हर एक वीडियो में कमेंट कीजिए। सो यू जस्ट हैव टू कमेंट द बैटल्स विच यू वॉन्ट टू सी डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन टिल द बैटल्स आर नॉट डन, ओके, बिकॉज देर आर मेनी कमेंट्स एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सो देर फोर काइंडली जस्ट कीप ऑन पोस्टिंग सो दैट योर वीडियो कम्स एज द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड, टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।